जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में सेना की गाड़ी पर आतंकवादी हमला, राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवान शहीद, एक की हालत गंभीर। सेना की गाड़ी पर आतंकवादी हमले की जांच एनआईए को सौंपी गई, एनआईए की 5 सदस्यों की टीम आज पुंछ पहुंचेगी। आतंकवादियों ने पुंछ हाईवे पर बिम्बर गली से पुंछ के बीच घात लगाकर सेना की गाड़ी पर हमला किया, गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की। आतंकवादियों ने सैनिकों पर स्टील बुलेट से भी फायरिंग की, गाड़ी पर ग्रेनेड भी फेंके जिससे गाड़ी में आग लगी। 3 से 4 आतंकवादियों ने किया था सैनिकों पर हमला, हमले के बाद फायरिंग करते हुए मौके से फरार हुए। आतंकवादियों ने हमले से पहले पूरे इलाके में रेकी की, खराब मौसम और जंगल का फायदा उठाते हुए फरार हुए। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में घेराबंदी की, आतंकवादियों की तलाश जारी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर आतंकवादी हमले में जवानों की शहादत को दुखद बताया, शहीद जवानों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ट्वीट पर आतंकवादी हमले की निंदा, कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हम एक हैं। बिहार के दरभंगा में 2 समुदायों के बीच झड़प, एक दूसरे पर बरसाए पत्थर। दरभंगा के बिरौल इलाके में भीड़ ने कई बाइक में भी तोड़फोड़ की, पत्थरबाजी में कई लोग जख्मी हुए। दरभंगा में फिलहाल हालात काबू में, मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। सिविल सर्विसेज डे पर आज पीएम मोदी का संबोधन, दिल्ली में सुबह 11 बजे नौकरशाहों को करेंगे संबोधित। सिविल सर्विसेज डे पर पीएम मोदी नौकरशाहों को पुरस्कार भी देंगे, पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से नवाजे जाएंगे कई सिविल सर्वेंट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कर्नाटक के चुनावी रण में उतरेंगे, बेंगलुरु के पास देवनहल्ली में करेंगे रोड शो, नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज कर्नाटक जाएंगे, बीदर में करेंगे चुनाव प्रचार, एक रोड शो भी करेंगे जेपी नड्डा। एनसीपी की एकजुट करने की शरद पवार की कोशिश है, मुंबई में आज कार्यकर्ताओं के शिविर को करेंगे संबोधित। एनसीपी कार्यकर्ता शिविर से अजीत पवार का नाम गायब, पार्टी में तमाम छोटे बड़े नेताओं का नाम लिखा गया। एनसीपी कार्यकर्ता शिविर 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक चलेगा, मौजूदा सियासी हालात और संगठन पर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन में शामिल नहीं होने पर अजीत पवार की सफाई, कहा पुणे में मेरा कार्यक्रम इसलिए मैंने मना किया। एनसीपी कार्यकर्ता शिविर से पहले शरद पवार से मिले संजय राउत, दोनों के बीच करीब 25 मिनट तक बातचीत हुई। संजय राउत बोले महाविकास अघाड़ी मजबूत होनी चाहिए, कांग्रेस एनसीपी और उद्धव शिवसेना नहीं टूटनी चाहिए। मुंबई में उद्योगपति गौतम अडानी और शरद पवार के बीच मुलाकात हुई, पवार के घर सिल्वर ओक में 2 घंटे तक बातचीत चली। 29 अप्रैल को वाराणसी में काशी तेलुगु संगम प्रोग्राम, पीएम मोदी कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। न्यूयॉर्क में यूएन महासचिव एंटोनियो गुटारेस से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, सूडान यूक्रेन और G20 की अध्यक्षता को लेकर बातचीत हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, बोले दिल्ली में हमारी टीम सूडान में भारतीयों के साथ लगातार संपर्क में है, उन्हें शांत रहने और बिना वजह जोखिम ना लेने की सलाह। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो SCO समिट में होंगे शामिल, गोवा में 4 और 5 मई को होनी है समिट। SCO बैठक में पाकिस्तान के शिरकत करने पर विदेश मंत्रालय प्रवक्ता अरिंदम बागची बोले किसी एक देश पर फोकस करना सही नहीं। पीएम मोदी ने डेनमार्क के पीएम मेट फ्रेडरिकसन से बात की, भारत डेनमार्क ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की समीक्षा की गई। माफिया मुख्तार अंसारी की बीवी अफशा की तलाश में मऊ पुलिस ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन, पकड़ने के लिए बनाई गई 3 टीमें। मऊ पुलिस मुख्तार के गाजीपुर स्थित पुश्तैनी घर भी पहुंची, परिवार वालों के अफशा के ठिकाने पर पूछताछ। अफशा अंसारी पर गाजीपुर पुलिस ने 50,000 और मऊ पुलिस ने 25,000 का इनाम किया है घोषित, बदमाशों की सूची में नाम शामिल। यूपी के गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के वकील का खर्चा नहीं देगी पंजाब सरकार, सीएम मान ने वापस लौटाई फाइल। शाइस्ता परवीन की अरबों की प्रॉपर्टी जब्त करने की तैयारी में उत्तर प्रदेश STF, प्रयागराज से दिल्ली हरियाणा तक फैले रियल एस्टेट के कारोबार का पता चला। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का अल्टीमेटम, आगरा की जामा मस्जिद में दबी श्री कृष्ण की मूर्तियों को हिंदू समाज को वापस करने की मांग की गई। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 5 दिनों का दिया वक्त, बोले मूर्तियां नहीं मिलने पर लड़ेंगे कानूनी लड़ाई। धीरेन्द्र शास्त्री ने मथुरा में देवकी नंदन ठाकुर समेत कई संतों से मुलाकात की, कहा कि अयोध्या की तरह मथुरा में भी बनेगा भव्य मंदिर। गुजरात के 2002 नरोदा गाम दंगा केस में सभी आरोपी बरी, पूर्व मंत्री माया कोडानानी, बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी सबूतों के अभाव में छूटे। नरोदा गांव दंगे में 11 लोगों की हुई थी मौत, पीड़ित पक्ष ने फैसले का किया विरोध, कहा कि नहीं हुआ इंसाफ। मोदी सर ने मामले में सूरत सेशंस कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख करेंगे राहुल गांधी, सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर नहीं लगाई रोक। सूरत सेशंस कोर्ट से एक लाइन के फैसले में कहा गया है कि मांग खारिज, फिलहाल राहुल गांधी की जमानत जारी रहेगी। मध्य प्रदेश में चुनाव की तैयारियों के बीच दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, कांग्रेस का संगठन कमजोर, इलेक्शन मैनेजमेंट में रहती है कमी। दिग्विजय के बयान पर बीजेपी नेता विश्वास सारंग का तंज, कहा कि वो ऐसे ही कमलनाथ को पटखनी देंगे। भारत में टूटा कोरोना संक्रमण का 8 महीने का रिकॉर्ड, एक दिन में 12,591 नए मामले आए सामने। देश में कोरोना से एक दिन में 40 पीड़ितों की मौत, एक्टिव केस की संख्या 65,286 तक पहुंची। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1,603 मामले आए सामने, 3 कोरोना पीड़ितों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण ने फिर पकड़ी रफ्तार, एक दिन में कोरोना के 1,113 मामले दर्ज, 3 कोरोना पीड़ितों की मौत। मुंबई में लगातार 3rd दिन 200 से ज्यादा कोरोना के केस दर्ज किए गए, पिछले 24 घंटे में 207 मामले आए सामने, एक कोरोना पीड़ित ने जान गंवाई। उड़ीसा के झारी गांव में पेंशन लेने के लिए एक वरिष्ठ नागरिक सूर्या को बैंक तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर चलना पड़ता है, टूटी कुर्सी के नंगे पैर चलती हैं।
SBI के मैनेजर ने बताया उनकी उंगलियां टूट गई हैं, इसलिए उन्हें पैसे निकालने में हो रही है परेशानी, जल्द ही समस्या का निकालेंगे समाधान। बांदा में अवैध असलाह बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है, 9 तमंचे, 1 राइफल, 22 जिंदा कारतूस और तमंचे बनाने वाला सामान बरामद हुआ है। पूरे मामले की जांच जारी, नगर निकाय चुनाव के चलते पुलिस बरत रही है सतर्कता। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस को मिली बड़ी कार्रवाई, ई रिक्शा चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने 12 रिक्शे बरामद किए, 3 लोगों को गिरफ्तार किया, आगे की कार्रवाई भी जारी। गुजरात के जामनगर से आई चौंकाने वाली तस्वीर, बस का शीशा टूटने से पीछे बैठे 2 लड़के सड़क पर गिरे। बस से एक स्पीड ब्रेकर से होकर गुजर रही थी, झटका लगने से हुआ हादसा, दोनों लड़के बाल बाल बचे। पंजाब के मनसा में शिमला मिर्च का मूल्य 1 से लेकर 1.5 रुपए प्रति किलो तक गिरा, किसानों ने जताई नाराजगी। गुस्साए किसानों ने सड़कों पर फेंकी अपनी फसल, सरकार से मदद की अपील की। सचिन पायलट ने जयपुर में राम प्रसाद मीना के परिवार से की मुलाकात, जमीनी विवाद में की थी आत्महत्या। सचिन पायलट ने मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की, कहा जांच के दौरान पुलिस पर ना हो दबाव। रामप्रसाद मीणा सुसाइड केस पर सियासत तेज हुई, बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा बोले, सरकार सुरक्षा देती तो ये नौबत नहीं आती। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा विवाद खत्म, समझौते पर हिमंता बिस्व शर्मा और पेमा खांडू ने किए दस्तखत। गृह मंत्री अमित शाह ने समझौते को बताया मील का पत्थर, कहा कि सभी को साथ लेकर किया विवाद का निपटारा। समझौते के बाद बोले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा, इससे पूर्वोत्तर के राज्यों में शांति और विकास की स्थापना होगी। अखिल गोगोई के PFI से कनेक्शन की जांच को लेकर केंद्र ने 4 वकीलों को स्पेशल प्रोसिक्यूटर के रूप में नियुक्त किया है। भारतीय वायुसेना मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज में हिस्सा लेगी, 24 अप्रैल से 4 मई तक ग्रीस में होगा आयोजन। PG 2023 के इस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा 5 से लेकर 12 जून तक होंगे, UGC के अध्यक्ष ने जानकारी दी। दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंचे राहुल गांधी, UPSC अभ्यर्थियों से की मुलाकात। उत्तराखंड के DGP अशोक कुमार और पूर्व DRDO वैज्ञानिक OP मनोचा की लिखी पुस्तक साइबर अकाउंटर्स के अंग्रेजी संस्करण का विमोचन हुआ। IIT दिल्ली के सेमिनार हॉल में पुस्तक का विमोचन, साइबर अपराध से लोगों को जागरूक करने के लिए लिखी गई है किताब साइबर एनकाउंटर्स। देश भर में ईद की तैयारियां जोरों पर, आज रमजान के आखिरी शुक्रवार को अलविदा का नमाज अदा की जाएगी। रमजान के आखिरी दिन आज हैदराबाद में जलसे युम उल कुरान का आयोजन करेगी AIMIM, लोगों को संबोधित करेंगे असदुद्दीन ओवैसी। जम्मू कश्मीर के 8 जिलों में अवलांच की चेतावनी, अगले 24 घंटे के लिए डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, रामबन और बारामूला में अलर्ट जारी। उत्तराखंड के केदारनाथ में हुई बर्फबारी, मौसम में आए बदलाव से गिरा तापमान। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति घाटी में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई बर्फबारी। महाराष्ट्र में गर्मी का कहर, सरकार ने हीट वेव की वजह से स्टेट बोर्ड के सभी स्कूलों में छुट्टी का किया ऐलान। दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट का लॉन्च हुआ फेल, गुरुवार को टेक्सास के चीका से लॉन्च होते ही आसमान में एक धमाके के साथ फटा। एलन मस्क की कंपनी SpaceX ने लॉन्च किया था स्पेसशिप, तकनीकी खराबी की वजह से अंतरिक्ष में जाने से पहले ही फटा। स्पेसशिप के फेल होने के बावजूद एलन मस्क ने टीम को बधाई दी, कहा कि अगले कुछ महीनों में होने वाले लॉन्च के लिए बहुत कुछ सीखा। कोलंबिया के खदान में धमाका, 3 माइनर्स की मौत, 4 खदान में फंसे। उत्तरी चीन में घास के मैदान में लगी आग, मंगोलिया और रूस के बॉर्डर वाले इलाके तक फैली। सीज फायर के बीच सूडान में फिर हुई लड़ाई, सेना और अर्धसैनिक बलों ने किया 24 घंटे के युद्ध विराम का ऐलान। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज दूसरे कार्यकाल के लिए फिर चुने गए। ट्विटर ने लेगेसी वेरिफाइड अकाउंट से हटाए ब्लू टिक, यूजर्स को अब ब्लू टिक के लिए देना होगा मंथली चार्ज। राहुल गांधी, योगी आदित्यनाथ, केजरीवाल, अमिताभ बच्चन, सलमान, शाहरुख, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे दिग्गज के अकाउंट से हटा ब्लू टिक, एलन मस्क ने एक हफ्ते पहले ही इसका ऐलान किया था। दिल्ली हवाई अड्डे का नया टर्मिनल और 4th रनवे सितंबर में चालू होगा, रेनो एविएशन सेक्रेटरी ने दी जानकारी। FSSAI ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के फूड कमिश्नर्स को लिखा पत्र, कार्बाइड से फल पकाने वालों पर एक्शन लेने के निर्देश दिए। IPL में आज चेन्नई सुपर किंग्स का सनराइजर्स हैदराबाद से मुकाबला, चेन्नई में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। IPL में दिल्ली की पहली जीत, कोलकाता को 4 विकेट से शिकस्त दी। कोलकाता ने जीत के लिए 128 रनों का दिया था टारगेट, दिल्ली की टीम 20वें ओवर में 6 विकेट खोकर जीत दर्ज की। दिल्ली की तरफ से डेविड वार्नर ने 57 रनों की पारी खेली, मनीष पांड्या 21 और अक्षर पटेल ने 19 रन बनाए। ईशांत शर्मा बने प्लेयर ऑफ द मैच, ईशांत ने 4 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट चटके। मोहाली में बैंगलोर की टीम ने पंजाब किंग्स को 24 रनों से हराया, RCB ने 5 मैचों में दर्ज की है तीसरी जीत। बैंगलोर ने पंजाब को 175 रनों का लक्ष्य दिया था, पंजाब की टीम ने 19वें ओवर में 150 रन बनाकर ऑल आउट हुई। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को विराट कोहली और डुप्लेसिस ने शानदार शुरुआत दी, दोनों ने पहले विकेट के लिए 137 रन की साझेदारी की। बैंगलोर की तरफ से मोहम्मद सिराज को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड, सिराज ने 4 ओवर में 21 रन देकर 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। फिल्मेकर यश चोपड़ा की पत्नी पामेला चोपड़ा का निधन, मुंबई में हुआ अंतिम संस्कार। पामेला चोपड़ा की मौत से शोक में डूबा बॉलीवुड, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, काजोल सहित कई हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि। प्रियंका चोपड़ा ने भारतीय और दक्षिण एशियाई एक्टर्स की हॉलीवुड में मदद की जताई ख्वाहिश, कहा कि मुझे नहीं मिली थी कोई मदद।
सोनाक्षी सिन्हा वेब सीरीज दहाड़ से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर करेंगे डेब्यू। 12 मई को अमेजॉन प्राइम वीडियोस पर होगी रिलीज।